न्यायों की पुस्तक अध्याय तीन, न्यायों की पुस्तक अध्याय तीन। इसराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इसराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले, अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेरमोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इसराइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे व नहीं। इसलिए इसराइली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। उत्नियल का चरित्र। इस प्रकार इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इसराइलियों पर भड़का और उसने उनको अरमन हैरेम के राजा कुश त्रिशा तैम के अधीन कर दिया। सो इसराइली 8 वर्ष तक कुश त्रिशा तैम के अधीन में रहे। तब इसराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने इसराइलियों के लिए कालेब के छोटे भाई उत्नियल नाम एक कंजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इसराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला और यहोवा ने अराम के राजा कुश त्रिशातैम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुश त्रिशातैम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में कंजी उत्नियल मर गया। यहूदा का चरित्र। तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इसराइल पर प्रबल किया क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इसराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इसराइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। फिर इसराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नाम एक बिन्यामिनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्ता था। इसराइलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। एहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांग पर लटका दिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बाया हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से
तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मूठ भी बैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघुशंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते लज्जित हो गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेईर में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूका। तब इसराइली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यर्दन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्टपुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इसराइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इसराइल का छुड़ाने वाला हुआ।